Hello students, welcome to my YouTube channel. Hope you are doing well. Today we will do the next point, that is the word today is wild with the delirium of hatred, written by Rabindranath Tagore from your book Literary Patterns class plus 2 in the subject of elective English, Punjab School Education Board. तो बच्चों ये कविता जड़ी है रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी हुई है ते इस दे विच ओ कहंदे ने कि ये दुनिया जड़ी है बहुत ही पदार्थकवाद हो गई है स्वार्थी हो गई है लोकां दे दिल दे विच बेरहमी है अति नफरत है कि परमात्मा नूं संबोधित करदा होया कवि कहंदा है कि ओ असीम शक्ति इन्हां सारे लोकां नूं सदबुद्धि दवे अति शांति प्रदान करे ते ज्ञान रूपी प्रकाश जड़ा है लोकां दे विच दुनिया दे विच फैलावे ताकि सारी नफरत सारी स्वार्थ परकता जड़ी हैगी आ ओह खत्म हो जावे अते लोग जड़े है आपस दे विच शांति नाल अते प्यार नाल रहन। द वर्ल्ड टुडे इज वाइल्ड विद द डेलिरियम ऑफ हेटर्ड। अज दुनिया नफरत नाल भरी हुई है। The conflicts are cruel and unceasing in anguish. ते जेड़े संघर्ष ने ओ बेदर्द हन अते पीड़ा बेकाबू है। Crooked are its paths, tangled its bond of greed. इसदे रस्ते बड़े टेढ़े हन अते विवाद बेरहमी हन अते निरंतर कष्टदाई हन। All creatures are crying for a new birth of thine. सारे प्राणी अपने नवे जन्म लई रो रहे हन। किते भी शांति नहीं है अति हरेक दिल विच एक दर्द है। ओ thou of boundless life, save them, raise thine eternal voice of hope. कवि उस असीम शक्ति नू जो कि सारे बंधना तो मुक्त है नू संबोधित करदा हुआ कहंदा है कि ओ मानवता नू नफरत रूपी अग तो बचावे अति हरेक आत्मा विच आस दी किरण जड़ी है ओह पैदा करेंगे। लेट लव्स लोटस विद द एग्जॉस्टिबल ट्रेजर ऑफ हनी ओपन इट्स पेटल इन द लाइट। हर किसी दे कमल रूपी दिल विच प्यार रूपी शहद दी महक आवे भाव मनुख नू परमात्मा सही रस्ते वल लावे अते नफरत नू शांत करे अर्थात अपनी जड़ी मधुर पंखड़ियां दे नाल प्यार दा कमल हरेक दिल दे विच खिड़ना चाहिदा है। ओ सेवरेन ओ फ्री इन दाइन इमेजरेबल मर्सी एंड गुडनेस वाइप अवे ऑल डार्क स्टेन्स फ्रॉम द अर्थ। दया अते भलाई दे असीम सागर इस धरती तो नफरत अते निर्दयता दे सारे दाग मिटा दे क्योंकि वर्तमान दुनिया घृणा लालच अते स्वार्थ नाल भरी हुई है। ये सारी बुराइयां इस दुनिया तो दूर कर दे। द गिवर ऑफ इमोर्टल गिफ्ट्स गिव अस द पावर ऑफ रिनंसिएशन एंड क्लेम फ्रॉम अस आवर प्राइड। फिर कवि उस असीम शक्ति नूं संबोधित करदे हुए कहंदा है कि जेकर परमात्मा तोहफे दे रूप विच सानूं त्याग दी शक्ति दिंदा है अते साडे अहंकार नूं खत्म कर दिंदा है जेकर ओह परम शक्ति सानूं पदार्थक मोह माया तो दूर करदी है तां इंसान आत्मिक तौर ते उच्चा उठ सकता है। कवि कुछ इस तरह दी परमात्मा नूं प्रार्थना करदा है। In the splendor of a new sunrise of wisdom, let the blind gain their sight, and let life come to souls that are dead. फिर कवि कहंदा है कि इस धरती नू प्यार शुद्धता अते शांति नाल स्वर्ग बना दवे। कवि कहंदा है कि इंसान नफरत लालच अते स्वार्थ नाल अन्ना होया पिया है ओ आत्मिक तौर ते मर चुका है उसनों बुरे या चंगे दी सही अते गलत दे विच कोई फर्क नजर नहीं आंदा
कवि परमात्मा नूं बेनती करता है कि वह इंसान दे दिल विच ज्ञान दी जोत जला देवे। जो पुरुष अपनी पागल वासना विच अन्ने हो गए हन, वह अपनी ज्ञान रूपी दृष्टि फिर तो हासिल करन अते उन्हां दी मरी हुई जमीर फिर तो जाग उठे। मैन्स हार्ट इज एंग्विश्ड विद द फीवर ऑफ अनरेस्ट विद पॉइजन ऑफ सेल्फ सीकिंग विद द ट्रस्ट दैट नोज नो एंड। फिर अगे कवि कहते हैं कि अशांति दे बुखार नाल मनुख दा दिल दुखी है, उसकी जिंदगी स्वार्थ रूपी जहर नाल भरी हुई है, उसके स्वार्थ दी प्यास का कोई अंत नहीं है। इस तरह इंसान की हालत बहुत ही तरसयोग हो गई है। कवि परमात्मा नूं प्रार्थना करता है कि वह मनुख नूं इस बेचैनी तो बचा लवे। कंट्रीज फार एंड वाइड फ्लॉन्ट ऑन देयर फोरहेड्स द ब्लड रेड मार्क ऑफ हेटर्ड, टच देम विद दाई राइट हैंड, मेक देम वन इन स्पिरिट। फिर कवि अगे कहता है कि उन्होंने मत्थे ते दूर दूर तक दे देशां दे नाल किरना ते खून का लाल निशान है। जिवें कि बच्चे आपां देखते हैं कि एक देश दूसरे देश का जिहड़ा है दुश्मन बनिया होया है, जबकि असी सारे एक ही धरती ते रहने हाँ। वसुदेव कुटुंबकम वाले कोई गल नहीं है, लोकां दे विच यूनीवर्सल ब्रदरहुड नहीं है, तेरा अते मेरा दी भावना बहुत ज़्यादा बनी हुई है। उन्होंने अपने सज्जे हाथ नाल उन्होंने अपने सज्जे हाथ नाल परमात्मा छू के उन्होंने आत्मिक तौर पर एक बना दे। सज्जे हाथ नाल छूना मीनस उन्होंने ब्लैस करे ताकि जिहड़े लोग है उन्होंने मना दे विचों जिहड़ी नफरत की भावना है वह खत्म हो जाए, उन्होंने जीवन विच सद्भावना लिया के उसकी लय न सोहना कर दे। कवि कहते हैं कि एक दूजे मारन अते तबाह करन ले जो किरना रूपी लहू इंसान दिया नसा विच वग रहा है उस नू परमात्मा खत्म कर दवे अते अपने आशीर्वाद नाल उन्हां दी रूह नू शांत करे अते उन्हां दी जिंदगी विच प्यार अते लय ले आवे। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस पॉइंट। I think that you might have learned something from this poem. The world today is wild with the delirium of hatred. Wish you all the best. Have a nice day.